वही मैं कार्तिकी पांडे, और आज हमारे पास है वैगनार का VXi CNG वेरिएंट जो कि 2022 में हमने लिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका AC फिल्टर आप घर पे खोल कर कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए उसको वीडियो में कंटिन्यू रही उसको देखने के लिए। तो सबसे पहले हम ग्लव बॉक्स को खोल लेते हैं। तो ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लॉक है। तो अब देखिए ये वाला लॉक फ्लैश देख सकते, तो इस लॉक को आप दबाएंगे, इधर वाला निकला उधर से, इस लॉक को भी दबाना है और इधर से इस लॉक को। अब ये ढीला हो गया, धीरे धीरे इसको नीचे लाते जाइए। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा दिया है AC फिल्टर, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिकली एक लॉक होता है इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद ये दिया इसका AC फिल्टर, ये थोड़ा निकलना है इसको, दिक्कत हो रही है, इसको निकालूँ फिर मैं उससे मिलता हूँ। तो ऐसा कुछ इसका AC फिल्टर है, इसको साफ कर लेते ज़रा। ये देखिए इसको निकाल ले, ऐसे दीवार पे ऐसे मार के ऐसे इसको झाड़ देते हैं। इसके बीच में कुछ फंसा तो नहीं है, आर पार एकदम दिख रहा है, ये साफ हो गया। मैं ज़्यादा काम नहीं था, बस 2-3 सेकंड का काम है, इसको देख के आप साफ कर लीजिए। ज़्यादा जोर से नहीं पटकना है इसको, मतलब थोड़ा आराम से। वाइट कलर से तो वो गंदा भले हो जा रहा हो, पर डस्ट अब इससे निकल चुकी है साफ एकदम, देख सकते हैं। इसको चलते हैं गाड़ी में लगा देते हैं। आपको मेन चीज ये देखनी है इसको लगाना कैसे है। ये का जो अप वाला है ये ऊपर रहना चाहिए, ये नीचे, इसको लगा के मैं आपसे मिलता हूँ। उसको मैंने लगा दिया है, इसका लॉक वाला मैं इसको लगा देता हूँ अंदर। ये था कि इसको मैंने यहाँ पे रख दिया था और मेरे दिमाग से निकल गया कि गया कहाँ यहाँ पे, तो मैंने वीडियो दोबारा देखी तब मिल गया चलिए अब इसको भी लगा देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा खोल लूँ मैं, मतलब बॉक्स लिए दोबारा देख लीजिए। ज़्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे लेके हैं, ये लॉक ही है इसका बस, इसको इधर से और उसको इधर से। अब यही काम आप एजेंसी में करवाएंगे तो वो सब पैसा इतना ले लेंगे आपसे, वही पैसा किसके पास भी बड़ा है इतना कि एजेंसी वालों को फ्री में दे दें। तो 1 सेकंड खोल लूँ, तो ये भी खुल गया, अब इसको भी लगा देते हैं इसमें। इधर से इसको लगा दूँ फिर आपसे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए उसको इंसर्ट कर दिए यहाँ पे, अब इस लॉक को दोबारा इसमें डाल देते हैं जी। ये हो गया, तो यही कुछ था आज के वीडियो में, ये बहुत ही आसान सा था, मतलब कोई भी इसको कर घर पे बैठ के, एक सेकेंड, घर पे बैठ के कर सकता है आराम से, उसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। ये गंदा बताऊँ क्यों होता है, जब इसको रीसर्कुलेशन मोड पे डालते हैं बाहर से अंदर लेने के लिए तभी ये गंदा होता है, ठीक है। तो उसी नाते वो गंदा होता है, और वही अगर आप एजेंसी पर सही करवाएंगे तो उसका चार्ज बहुत ले लेंगे, मतलब अलग ही लेवल का चार्ज। और इससे इसको साफ़ करने में थोड़ी कूलिंग थोड़े फ़र्क तो आती है, मैं चेक किया था अभी, फ़र्क आता है उसको साफ़ करने के बाद। और यही था आज की वीडियो में, तब वीडियो अगर अच्छी लगी होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखनी है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा।